चलिए वोट डाल के निकलेंगे तब बात होगी। मैडम को जान दीजिए वोट डाल में। आइए आइए अंदर नहीं बोलिए। हां मैं हां कुछ बोला ये भाई। अरे क्या भाई बेटा ए भाई पीछे देखो ना। रविशंकर जी का आना और जाना और आपका आना? नहीं मुझे नहीं पता। बस 10 सेकंड पहले रविशंकर जी गए यहाँ। अच्छा गॉड ब्लेस वेरी गुड। अच्छा बढ़िया मुहूर्त है इसका माने। पूनम सिन्हा जो बोल रही है कि रविशंकर जी का जाना और आपका आना कहेंगे। अभी आपने वोट कास्ट किया सर? नहीं बहुत अच्छा है। लोकतंत्र में लोकतंत्र का तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट मत कास्ट करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने आना चाहिए और वोट देना चाहिए भरपूर तादाद में देश के निर्माण या देश के नव निर्माण के लिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा जब मैं अपना वोट कास्ट करके आ रहा हूँ और मुझे अभी भी माहौल वही दिख रहा है जो अल्लाह ताला का फजल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि हम सच्चाई और पारदर्शिता के साथ चुनाव में सामने उतरे हैं। अपने वचन अपने जुबान दिया था हमने कि सिचुएशन कुछ भी हो लोकेशन वही होगा पटना, पटना और पटना साहिब। और मैं अपने वचन की रक्षा के हेतु खुली किताब की तरह अपने काम के आधार पे और शायद कुछ हद तक अपने नाम के आधार पे मैं सामने आ गया हूँ। तो मुझे लगता है पटना साहिब की जनता जनार्दन और बिहार परिवार का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद के साथ हम इस बार पुनः एक बार नया रिकॉर्ड स्थापित कर पाएंगे। हालांकि काफ़ी कुछ गड़बड़ियों की भी खबर आ रही है। मैं खबर आ रही है हमारे विधायक, एक ही तो विधायक है हमारे, बहुत अच्छे इंसान है रामानंद यादव जी, उनको शायद रेड कार्ड दिखा दिया गया है, उनको नज़रबंद किया गया है ताकि उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। ये महागठबंधन से या गठबंधन की एकता से एक डर का माहौल पैदा हुआ है सत्ताधारियों में। जिस तरह से कर रहे हैं सही नहीं है। इसका माने वो भले कहते जाएं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, जब मोदी लहर थी तब और ईवीएम्स का बोलबाला था तब भी 300 सीटें नहीं लेकर आ पाए। इस बार जब बहुत जगह मोदी कहर दिखाई पड़ रही है उसके बावजूद अगर वो कहते हैं किसानों के हाहाकार के बीच में, नौजवानों की पुकार के बीच में, वायदे खिलाफी के बीच में अगर वो कहते हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूँ अपने काडर का अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने के लिए बोल रहे हैं। 300 सीटों की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ चोर बाज़ार जाना चाहिए और चांदनी चौक जाना चाहिए। इकट्ठे 600-700 सीटें खरीद लें तो आगे वाले भी चुनाव में उनके काम आएंगे। रामकृपाल जी कहेंगे उनके वोटरों को रोका जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। मैं उधर नहीं जानता हूँ, उस साइड का मुझे कोई अनुभव नहीं है और इस मामले में इस गेम में मैं बाकियों के मुकाबले बहुत जूनियर हूँ। लेकिन हाँ मैं तो सच्चाई वाला आदमी हूँ, सिद्धांतों वाला आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छे से सब कुछ हो। हेल्दी पॉलिटिक्स के तहत आया था मैं, कोई स्वार्थ के लिए नहीं आया था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात और कि इलेक्शन कमीशन में अपने दोस्त और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि इतने 7-7 चरण में चुनाव कराने का अभिप्राय क्या है। एक तो भयंकर गर्मी, ऊपर से 7 चरणों में, बिहार में तो 7 चरण में ही चुनाव, ये क्या तमाशा है। ज़रा मैं विनम्र निवेदन है इलेक्शन कमीशन से इस बात पे ज़रूर गौर करें। इस तरह का मजाक माहौल और लोगों को इतना दुख पहुंचाना चुनाव के ज़रिए, हालांकि मैंने अपील की है बार बार कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को मत देना चाहिए, वोट के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन ज़रा इन संकट को भी देखें। और 7 चरण में जहाँ चाहा वहाँ 1 चरण में करा दिया, यहाँ 7 चरण में, हम लोग का सबसे आखिरी चरण में जो सबसे शांतप्रिय इलाका है वहाँ पे, ये लगता है कुछ लोगों को सहूलियत देने के लिए, वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी को वो सुख पहुँचाने के लिए, ताकि हर जगह वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें, केदारनाथ से भी कर सकें, बद्रीनाथ से भी कर सकें और बाकी इस तरह की हरकतों से भी कर सकें। पूरा सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सबों का बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है और उनके बिहारी बाबू के लिए उनके आंखों में मुझे जीत नज़र आ रही है। हिलाइए मत, फोटो लेने के लिए।
आपको लगता है कि टक्कर देंगे? जब लड़ रहे हैं तो टक्कर एक ना एक को देना ही है ना, ये देखना है कि जीत के कौन आएगा। बीजेपी कितने पार हो रही है, 400 के पार का दावा करें? अरे छोड़िए, जब आए थे 2014 में तब 400 नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा? लखनऊ की क्या स्थिति है? लखनऊ में पूरा जनता सहयोग कर रही है, एकदम एकदम अच्छी तरह से। अब वो नहीं मुझे पता, वो गणित जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए है। अब हम लोग जब एक बार एक चीज को पार कर दें उसके बाद हम बता सकते हैं क्या है।